रजिना नारी चैनल पर आपका स्वागत है आप सब कैसे हैं? मुझे लगता है आप बड़े अच्छे होंगे और ये मेरा जो आप रेसिपी देख रहे हैं ना इसको देख के आपको लग रहा होगा ये है क्या ये बहुत ही कमाल की चीज़ है जिन बच्चों को मखाने अच्छे नहीं लगते और कैल्शियम की के कमी है उनके लिए उनकी माताओं को जरूर बनाना चाहिए तो चलिए आप देख रहे हैं ये हैं हमारे मखाने है ना हम इसको गोंद बनाने में बहुत सारे रेसिपीज में इस्तेमाल करते हैं जिनको हमारे यहाँ पे ताल मखाने बोला जाता है आपके यहाँ क्या बोलते कमेंट्स में बताइएगा जितने मेरे पास मखाने हैं ना उसी के बराबर मैंने ले लिया है गुड़ और मैं ऐसी रेसिपी बनाने वाली हूं कि बच्चे इनको दौड़ दौड़ के खाएंगे और बड़ों को भी बड़ी अच्छी लगेगी और एक बार खाने लगो ना बहुत अच्छी लगेगी जब घर में कोई बच्चे आए ना उनको खिलाइएगा ठीक है और चाय के साथ भी बच्चों को आप इनको दे सकते हो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे कुरकुरे वगैरह सब खाने भूल जाएंगे चलिए मैं बताती हूं मैंने कैसे बनाया मैंने एक कढ़ाई ले ली कढ़ाई को पहले गरम कर लिया और गरम करके उसमें मखाने डाल दिए और गैस को सिम कर दिया यहाँ पे ये ध्यान रखना अगर आप गैस को हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो मखाने यहाँ पे जल जाएंगे एक बार हाथ मार के मखानों में देख लेना कोई काला काला ये होता है ना ये खोला होता है मखानों का वो कोई हो तो निकाल देना और उसके बाद आप इसको हिलाइए क्योंकि अभी हमारी कढ़ाई गर्म है ठीक है गैस को बिल्कुल देखो मैंने कितना सिम कर रखा है तेज़ बिल्कुल नहीं करना है ठीक है यहाँ पे दूसरी कढ़ाई है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बाजरे के आटे की बर्फ़ी बनाई थी तो वहाँ भी मैंने गुड़ की चाशनी बनाई थी तो मैंने इसको धोया नहीं मैंने सोचा चलो इसी में कर लेते हैं दोबारा मेहनत बचेगी तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाला था यानी कि एक बड़ा चम्मच पानी का डाला था और इसी में गुड़ डाल दिया और गुड़ को मैं आराम से क्या कर लेती हूँ मेल्ट कर लेती हूँ ठीक है जब तक मैं अपने ये भी देख लेती हूँ क्योंकि ये अभी थोड़े से चेक करने पड़ेंगे अगर हाथ से आराम से इजीली टूट जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है ये हमारे तैयार हो गए हैं अब यहाँ पे गुड़ है इसको इतना पकाना है कि ये दांतों को चिपके नहीं ठीक है और ये बिल्कुल कैरम हो के काला भी ना पड़े और कड़ा भी ना बस ये ध्यान रखना है यही एक ट्रिक है जो आप लोगों को सीखनी है अब गुड़ को मैं क्या कर रही हूँ पका रही हूँ गैस को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है अब मुझे चेक ये करना पड़ेगा ये गुड़ मेरे ये मखानों के लायक हुआ है कि नहीं मैंने एक बाउल में लिया है पानी और उसमें मैंने एक बूंद गुड़ डाला है हाथ लगा के देखेंगे अगर वो गोंद की तरह चिप-चिप करता है तो इसका मतलब अभी तैयार नहीं हुआ है तो मेरा भी ये अभी क्या हो रहा है चिपक रहा है हाथों के इसलिए मैंने और दोबारा से पकाना शुरू कर दिया है अब मैं कम से कम भी इसको पचास से सेकंड के करीब यानी कि मिनट से कम और आधे मिनट से ज़्यादा यहाँ पे ना टाइम का बड़ा ध्यान रखना होता है तो मैं इसको क्या कर रही हूँ थोड़ा सा और हिला लेती हूँ और हिलाने के बाद मैं देखूंगी कि अब मेरा ये तैयार हुआ है कि नहीं यहाँ एक तार दो तार के चक्कर नहीं होता यहाँ सिर्फ पानी में एक बूंद डाल के आपको चेक करना है अगर हाथ से आप लोग उसको मसलते हैं वो टूट जाता है इजीली क्रंची हो जाता है तो इसका मतलब वो हो गया है मैंने दो बार देखा वो नहीं हुआ था तो मैं तीसरी बार ट्राई कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे लगता है वो हो गया है ना हाथ से आप करेंगे ना ए, ये टूट गया है ना ऐसे भुर भुर हो जाता है तो इसका मतलब ये गुड़ हो गया गैस को बंद कर दीजिएगा अब इसको आप हिलाते रहिए गर्म गर्म ही आपको क्या करना है मखानों के अंदर ये डाल देना बहुत ही कमाल की रेसिपी मिलेगी बच्चे बार बार मांग मांग के इसको खाएंगे और बच्चों के अंदर कैल्शियम की जो कमी है ना वो भी पूरी हो जाती है और ये उसके अंदर डाल देते हैं फैला देते फिर ऐसा हो जाता तोडेंगे तो ये देखो कितने अच्छे तरीके से टूटते हैं तो आप बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप बच्चों को आराम से खिला सकते हैं आप भी बनाइए कमेंट्स में जरूर लिखिएगा आप इसको बनाना चाहते हैं नई और वीडियो कहां से देखते हैं ये भी बताइएगा स्वस्थ रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए गर्जना नारी के साथ बने रहिएगा थैंक्स फॉर